अंग स्पर्श मंत्र के द्वारा अंगों के रोगों को दूर भगाएंगे और अंगों में न रोग लगे ऐसी प्रार्थना करेंगे। बायां हाथ सीधा कर लीजिए ध्यान मुद्रा में और इसमें मान लीजिए कि इसमें जल है और दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी और एक कनिष्ठ मिला करके और बाकी बीच की दो उंगली को हम स्पर्श करेंगे। ऐसा लगेगा ना कि उसमें बैठ जी माता जी भाई बैठ जी माता अब हो गई। अब दाहिने दोनों उंगली को छू करके और अंग को छूना है ठीक है। ओम वांग में आए अस्तु मुख के दाहिनी तरफ और मुंह के बाईं तरफ। हे परमात्मा मेरे मुख में होठ में कभी किसी प्रकार का कोई रोग ना लगे और हाँ पहले दाएं तब बाएं हर अंगों का यही अभ्यास करेंगे। मेरे मुंह में कंठ में जीवा में तालू में किसी प्रकार का कोई रोग व्याधि ना लगे ऐसी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और यह मुंह में कितना सुंदर मुंह है इसमें दूध दही मेवा मक्खन मनाई डालेंगे। इसमें कभी खैनी बीड़ी सिगरेट चिलम तम्बाकू मीट मछली अंडा सुअर गधा बाघ नहीं डालेंगे बढ़िया बढ़िया चीज डालेंगे ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। ओम नसोर में प्राण वस्तु नासिका के दाहिनी तरफ और नाक के बाईं तरफ। हे परमात्मा नाक में कभी भी बीमारी ना लगे साइनस ना हो सर्दी जुकाम ना हो और नाक से सांस हमेशा लेते रहे और सूंघने की शक्ति बनी रहे। ओम अक्षोरण में चक्षुरस्तु आँख के दाहिनी तरफ और आँख के बाईं तरफ। हे परमात्मा आंखों में मोतियाबिंद नहीं हो ग्लूकोमा नहीं हो काला मोतिया नहीं हो और आंखों से रोशनी बनी रहे और किसी माँ बहन को देखे तो अपनी माँ बहन बहु बेटी उसमें देख सके ऐसी प्रार्थना प्रभु से करे। ओम कर्ण ओर में सर्वतम अस्तु कान की दाहिनी तरफ और फिर मैं कान को छूते हैं। हे परमात्मा कान की पर्दा में छेद नहीं हो मवाद नहीं हो कान बहे नहीं और कान से जिंदगी भर सुनते रहे और इन कानों से कभी कोई गाली उली भी दे तो लगे कि प्रभु का भजन ही गा रहा है सुंदर चीज भैया मेरी पढ़ाई करे ऐसे भाव रख करके। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु कंधा की दाईं तरफ और बाईं तरफ। अब देखिए कितना बढ़िया हाथ भगवान ने दिया है। अब इन हाथों से कभी मुर्गा मत मारिए मुर्गा मत बनाइए मुर्गा मत खाइए कभी मछली मत मारिए कभी उल्टा सीधा काम मत करिए कभी ऑमलेट मत खाइए और हमेशा माँ बाप की सेवा करिए दूसरों की सेवा करते रहिए रचनात्मक काज काम करिए विध्वंसक या विनाशकारी काम इन हाथों के द्वारा ना करिए यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम भरवर में ओजमस्तु घुटना के दाहिनी तरफ बाईं तरफ। हे परमात्मा मेरे कमर में जंघा में ये घुटना में पिंडली में एड़ी में तलवे में पैर की अंगुलियों में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे और ये कदम हमेशा हमारा स्वस्थ रहे और अच्छे कामों में इस शरीर को ले जा सके। ओम हरिष्ठानी महंगानी तरह सत्वा हमेशा संतु शरीर के चारों तरफ छिड़क लीजिए। अब सभी अंगों के लिए हम लोगों ने कामना किया कि जितना अंग है सब ठीक ठाक रहे और किसी में कोई रोग ना लगे और इन अंगों के माध्यम से बढ़िया बढ़िया हमेशा जीवन भर शुभ काम करते रहे। बोलिए यश देवता की।